नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का ICT वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हमारा टॉपिक है शब्द विचार। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। शब्द विचार में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर शब्द की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने शब्द भंडार के बारे में जाना, उसके बाद हमने शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर किया। और शब्दों का वर्गीकरण हमने चार तरह से किया, आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया है, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, नोट डाउन भी करेंगे साथ के साथ। जो भी हम पढ़ते रहेंगे उसे साथ के साथ नोट डाउन करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण 8 भागों में बांटा, जिसमें से हमने 4 को विकारी और 4 को अविकारी कहा। तो विकारी जो हमने कहे वो हम सारे के सारे पढ़ चुके हैं, यानी कि हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, हम सर्वनाम पढ़ चुके हैं, हम विशेषण पढ़ चुके हैं, हम क्रिया पढ़ चुके हैं। ये चारों हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने इन्हें समझ लिया है, विद एग्जाम्पल्स के साथ हमने इनको पढ़ लिया है। और अब हम कंटिन्यू करने वाले थे जो अपना नेक्स्ट हमारा टॉपिक था, अविकारी शब्द। तो अविकारी में हमने यहाँ पर 4 आपको बताए। सबसे पहले क्रिया विशेषण, उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है? तो 4 भागों में बांटा है अविकारी शब्दों को। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि जो विकारी शब्द हैं उन्हें हम पढ़ चुके हैं, हम संज्ञा को पढ़ चुके हैं, सभी को संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, ये सारी चीजें क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी भी इन चारों टॉपिक्स में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो अपने डाउट्स आप क्लास में हैंड रेज करके या सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करके या चैट के माध्यम से अपने जो समस्याएं हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप भेज सकते हैं। अगर विशेषण समझ में नहीं आया, अगर आपको याद होगा अब हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो विशेषण ही था, क्रिया भी हम पढ़ चुके हैं, तो इन चारों में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सकते हैं। उसके बाद हम अब हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था क्रिया विशेषण को, यानी कि चारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं क्रिया विशेषण, क्या होते हैं संबंध बोधक, क्या होते हैं समुच्चय बोधक, क्या होते हैं विस्मयादि बोधक। तो आज हम इन सभी को यहाँ पर बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैम पिछले 4 से 5 सेशन से केवल एक ही चीज पढ़ा रही हैं, लेकिन आप अपनी बुक अगर खोलकर देखेंगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स के रूप में आपको दी गई है, अलग अलग टॉपिक्स के रूप में आपको ये पढ़ाया गया है, बताया गया है। तो कंटिन्यू करते हैं। जो लास्ट सेशन था उसमें हम इस चीज को डिस्कस कर चुके थे कि जो विकारी होते हैं, यानी कि इनके मूल शब्द का लिंग तथा वचन परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? किसके आधार पे? वो लिंग और वचन के आधार पे। अगर लड़का है तो वो लड़की हो जाएगा, स्त्रीलिंग, अगर उसको स्त्रीलिंग में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग के लिए वो लड़की हो जाएगा। अगर लड़के हैं तो स्त्रीलिंग के लिए वो लड़कियां हो जाएगा। ऐसे ही विशेषण है, विशेषण में अगर अच्छा शब्द है तो स्त्रीलिंग के लिए वो शब्द अच्छी हो जाएगा, ठीक है? अगर जाता शब्द है तो स्त्रीलिंग के लिए वही शब्द जाती हो जाएगा, क्रिया, ठीक है? तो ये सारे शब्द क्या है? परिवर्तनशील हैं, विकारी शब्द हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा है? विकारी शब्द कहा गया, क्योंकि ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर और आपके काल के आधार पर, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं अविकारी। तो अविकारी में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि अविकारी जो शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के कारण परिवर्तित नहीं होते, अविकारी। और साथ ही देखिए आपको एक और शब्द लिखा गया है, अव्यय। तो यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया उसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्योंकि कोई फायदा नहीं कि मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ाऊं और आप उसको लिखें या सुने या घर चले जाएं,
ठीक है, जब तक आप बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आप याद नहीं करेंगे, अभी आप नहीं समझेंगे तो क्या फायदा। मैम गुड वेरी मॉर्निंग। गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप क्लास सिक्स के बच्चे हैं? मैम क्लास सिक्स। यस। तो आपका जो लास्ट सेशन था हमारा हिंदी का, वो आपने अटेंड किया था क्योंकि एक ही दिन की छुट्टी थी जी इससे पहले। तो यस, तो आपने कुछ नोट डाउन किया था अपने लास्ट सेशन में, कुछ लिखा अपनी कॉपी में? जी मैम थोड़ा जी मैम। यस, एक बार पढ़ के बताइए क्या लिखा था आपने लास्ट सेशन में, जो भी नोट डाउन किया है। मैम वो दूसरी कॉपी में छुड़ा मैम लेके आओ। यस, लेके आ जाइए, तब तक दूसरे बच्चे को माइक दे दीजिए। मैम वर्गीकरण विवेचन की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। यस, क्या क्या वर्गीकरण किया आपने विवेचन की दृष्टि से? मैम विकारी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अपकारी क्रिया विशेषण संबोधवाचक। वेरी गुड। तो हमने बताया था कि अविकारी शब्द, ठीक है, विकारी क्या होते हैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्या होते हैं विकारी? मैम जिनका विकार निकलता है, मैम जिनमें वो विकार होता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है, जी मैम। ठीक है, और अविकारी क्या होते हैं? मैम जो मैम जिनमें परिवर्तन नहीं माइक आता। को अपने मुंह के पास रखिए। यस यस, वेरी गुड, वेरी मैम जिनमें परिवर्तन नहीं आता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या क्या बताए थे हमने अविकारी शब्दों में? अविकारी शब्द कौन कौन से थे? अभी अभी बताया आपने, अभी अभी बताया। मैम विकारी मैम संघ सरुना, ये तो विकारी है बच्चे, अविकारी शब्द कौन कौन से? मैम संबोधवाचक, मैम क्रिया विशेषण और संबोधवाचक, मैम क्रिया विशेषण और संबोधवाचक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। नोट डाउन कीजिए इसको पहले फटाफट। चलिए माइक नीचे रखिए और नोट डाउन कीजिए। ये चारों पॉइंट लिखेंगे क्योंकि आज हम इन्हीं पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पूरा टाइम आपका केवल जो हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ाया उसे याद दिलाने में ही निकल जाता है। पूरा सेशन इसी बात पे निकल जाता है कि हमने पिछले सेशन में आखिर पढ़ा क्या था। आप लोग उसी को याद करने में पूरा पौन घंटा लगा देते हो। चलिए फटाफट इसी को नोट डाउन कीजिए, जो पेज खुला हुआ है न्यू पेज फ्रेश पेज उसमें से उसमें लिखना शुरू कर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे इनको जब हम डिस्क्राइब करेंगे। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है, चार भागों में बांटा है अविकारी शब्दों को। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और आज हम सबसे पहले क्रिया विशेषण हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस कर लिया था। तो चार भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को चार भेदों में बांटा गया है। कौन कौन से चार भेदों में बांटा गया है? देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और सबका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था। स्थानवाचक यानी कि क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे यहां, वहां, इधर, उधर आदि। क्रिया की विशेषता बताई जा रही, आप यहां आइए, आप यहां बैठिए, ठीक है। तो ये क्या है? यहां, वहां, ये क्या है? स्थान बता रहे हैं क्रिया के होने का। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ मैंने बताया था समय,
और जो क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आज, कल, कभी, जब। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक अर्थात क्रिया के होने की मात्रा, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, ठीक है। क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराते जैसे कम, ज्यादा, बहुत, कुछ, ठीक है। तो ये क्या है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, रीति यानी कि क्रिया के होने की विधि। तो रीति तेजी से, भली भांति, चुपके से, ठीक है, या धीरे धीरे, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं क्रिया के होने की विधि बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, गाड़ी तेज चल रही है, ठीक है, मोहन ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मामा जी अचानक अचानक आ गए, ठीक है, या कछुआ धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो ये क्या है सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लगभग दो जो हमारे सेशन है उनसे हम लगातार एक ही अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण, ठीक है। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं संबंध बोधक। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं संबंध बोधक। तो संबंध बोधक टॉपिक को मैंने आप लोग को इस तरह से बताया था कि जब क्या होता है वाक्य में जो आपके शब्द आते हैं, ठीक है, सर्वनाम शब्दों के बाद या संज्ञा शब्दों के बाद लगते हैं और उसका संबंध पूरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। क्या बताया मैंने कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगते हैं और फिर उसका संबंध पूरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए उसको संबंध बोधक कहा है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में, ठीक है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों को लिखेंगे अलग अलग, तो संबंध बोधक में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर लगकर जो पूरा वाक्य है, ठीक है, लगकर उसका संबंध संबंध पूरे वाक्य से जोड़ते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध पूरे वाक्य से जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं संबंध बोधक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे के साथ, के बिना, के आगे, के द्वारा, के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका संबंध बोधक होता है इसमें भी आठ भेद होते हैं, इसके भी आठ भेद होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आपके लिए यही सफिशियंट है कि आप संबंध बोधक क्या होता है ये जाने और संबंध बोधक के कुछ एग्जांपल्स जान लें। जैसे कि हमने कहा के साथ, ठीक है, के साथ, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संग बोधक, इसको कहेंगे संग बोधक। और ऐसे ही काल बोधक, जैसे हमने कहा के पहले, के पहले भी लिख सकते हैं, के पहले, के बाद, ठीक है, के आगे, तो इसको कहते हैं संबंध बोधक। जैसे विनय से पहले रोहन घर पहुंच गया, विनय के बाद रोहन घर पहुंचा, ठीक है। तो ये क्या है संबंध बोधक है, लेकिन संबंध बोधक में ये काल का यानी कि समय का बोध करा रहे हैं। देखिए आप इतना डीपली मत सोचिए, आप बस केवल संबंध बोधक की परिभाषा
और उसके ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं वो नोट डाउन कीजिए। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, केवल कुछ बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं और काफी सारे बच्चे नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। और ये वही बच्चे होते हैं फिर जिनको अगर माइक पकड़ा दिया जाए तो वो एक दूसरे पे माइक फेंकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि लास्ट सेशन में क्या हुआ था। अगर नोट डाउन करेंगे तो पता होगा, मैं आपको 10 बार कह रही हूँ कि अगर अगर मैंने आगे भी अगर कर दिया है तो इस तरह से क्लास में हैंड रेज करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि मैम प्लीज एक बार और रिवाइज कर दीजिए, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने नोट डाउन नहीं किया है या हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो क्लास में हाथ खड़ा कर सकते हैं, वरना नोट डाउन अगर करेंगे, समझेंगे, साथ में सुनेंगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं, इनके भी भेद हैं, जैसे संबंध बोधक के भी 8 भेद हैं, इसी तरह से समुच्चय बोधक के भी भेद हैं। लेकिन केवल आपको यहाँ पे कि आप केवल बस समझ जाएं कि संबंध बोधक होते क्या है, समुच्चय बोधक होते क्या है, तो इसी के लिए केवल हम यहाँ पे आप अभी इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सभी को क्लियर हो गया संबंध बोधक, जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध पूरे वाक्य के साथ जोड़ते हैं उसे संबंध बोधक कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखे हैं, नोट डाउन कीजिए इन्हें। साथ ही अगला टॉपिक है, अगला हमारा पार्ट है समुच्चय बोधक, और ध्यान रखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम, ये अविकारी शब्द, यानी कि ये जो सारे शब्द है इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, ना तो काल के आधार पे, ना वचन के आधार पे और ना ही लिंग के आधार पे। ठीक है, तो ये है सारे अविकारी शब्द। अब हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक। क्या होते हैं समुच्चय बोधक? शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाला। पहले वाला क्या था? संबंध बता रहा था एक दूसरे के साथ। अभी समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, समूह, एकत्रित होना। तो समुच्चय बोधक समुच्चय या समूह का बोध कराने वाला। तो ऐसे शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों और शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। और आप देखिए यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है योजक। योजक का क्या अर्थ होता है? जोड़ने वाला। ठीक है, योजक का क्या अर्थ होता है? जोड़ने वाला। तो जो समुच्चय बोधक आपका ये पाठ है, ये शब्द है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? नोट करेंगे साथ साथ, नोट डाउन करेंगे साथ साथ। समानाधिकरण योजक, व्याधिकरण योजक। समानाधिकरण योजक, देखिए योजक इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को इतना लंबा ना बोलना पड़े। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, अगर इसको एक लाइन में पढ़ा जाए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। 4 इसके पूरे शब्द होते हैं इसको बोलने के लिए, लेकिन हमने डायरेक्ट कहा समानाधिकरण योजक। कौन से योजक? जो जोड़ते हैं। और व्याधिकरण योजक। अब क्या होते हैं समानाधिकरण? समानाधिकरण, समानाधिकरण यानी कि समान स्तर वाले, समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों एवं वाक्यांशों। समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यों एवं वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समानाधिकरण कहलाते हैं। जो समान स्तर वाले वाक्यों को जोड़ते हैं वो समानाधिकरण
कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राघव और सुमेर, राघव और सुमेर सदा साथ पढ़ते हैं। राघव और सुमेर सदा साथ पढ़ते हैं, तो यहां पे कौन सा शब्द है समानाधिकरण, कौन बताएगा? फटाफट से हैंड रेज करेंगे। कौन सा शब्द है जो समुच्चय बोधक का काम कर रहा है? कौन सा शब्द है इस वाक्य में? राघव और सुमेर सदा साथ पढ़ते हैं। कौन सा शब्द है जो समान, यानी कि क्या कर रहा है, समानता दिखा रहा है? समानता जो शब्द दिखा रहा है वो है और। राघव और, जैसे माता और पिता मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं, माता और पिता। ठीक है, तो ये क्या है, समानाधिकरण शब्द। ठीक है, इसी तरह से यश पढ़ रहा है, नेहा लिख रही है। यश पढ़ रहा है तथा नेहा लिख रही है। ठीक है, तो ये भी आपका शब्द जो है वो क्या है, समानाधिकरण है। तो और, या, किंतु, अतः, तथा, बल्कि, ये सारे शब्द है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ठीक है, अब आते हैं व्याधिकरण। व्याधिकरण क्या होते हैं? व्याधिकरण किसे कहते हैं? देखिए, व्याधिकरण जो शब्द होते हैं ये क्या करते हैं, व्याधिकरण ये एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब ये आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, जब आप वाक्य के विषय में पढ़ेंगे तो उसमें आपको उपवाक्य पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आप प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे यदि फल खाने हैं, यदि फल खाने हैं तो काटने में मदद करो, यदि फल खाने हैं तो काटने में मदद करो, तो और यदि। ठीक है, नेहा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। नेहा परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, तो इस तरह के जो ये शब्द है ये आपके व्याधिकरण शब्द हैं। क्या है, व्याधिकरण शब्द हैं। तो समुच्चय बोधक में दो तरह के शब्द हमने यहाँ पर पढ़े, एक क्या पढ़ा, जो समान स्तर वाले शब्दों को जोड़ता है, और दूसरा जो एक प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला हमारा टॉपिक है विश्मयादि बोधक। ठीक है, विश्मयादि बोधक, तो विश्मयादि बोधक में पहले आप विश्मयादि बोधक शब्द को समझेंगे। विश्मयादि, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। ठीक है, तो आप ये शब्द देखिए, वाह, शाबाश, हाय, छी, ठीक, बचो, रुको। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो आपको घृणा, खुशी या आश्चर्य का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। और इसको हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं इसके लिए, विस्मयादि बोधक। तो जब भी आप देखते हैं वाह, तो वाह के बाद इस तरह का चिन्ह लगा होता है, तो उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, शाबाश, हाय, छी छी, ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं विस्मयादि बोधक।
इसको आप घर पे रिवाइज करेंगे और इसकी परिभाषा लिखकर लाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है निपात। निपात क्या होता है कि हिंदी में कुछ ऐसे अव्यय शब्द भी होते हैं जो निपात कहलाते हैं, जैसे भी, ही, तो, तक, भर, केवल। ये क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और कुछ अव्यय शब्द जो निपात कहलाते हैं वो ये है, ठीक है। तो इनको आप नोट डाउन कीजिए और जितना भी आज पढ़ा है, और ये पूरा टॉपिक देखिए, आज हमारा टॉपिक बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है शब्द विचार का। हमने शब्दों को दोनों तरह से पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर किया, उसके बाद हमने शब्दों को व्याकरणिक विवेचन की दृष्टि से देखा। तो दोनों तरह से हमने यहाँ पर शब्दों को पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम एक बार इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो घर पे पूरा टॉपिक रिवाइज कीजिए, अगर पाठ्य पुस्तिका है तो उसमें पढ़िए, अगर नोट डाउन किया है तो उससे पढ़िए, और नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर इस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।